शनिवार सुबह इंदौर क्षेत्र सहित शहर की गलियों से लेकर गांव तक घना कोहरा छाया रहा। सुबह का आलम तो यह था कि 50 मीटर की दूरी तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है। हालांकि सुबह 9-10 बजे तक धूप भी निकल आई, जिससे कोहरा छट गया। कोहरा छाए रहने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सड़कों पर वाहन बत्ती जलाकर धीरे धीरे आगे सरक रहे थे। दृश्यता कहीं 50 तो कहीं 150 से 200 मीटर तक रह गई। सड़क पर वाहनों की गति भी धीमी हो गई। गांव से आने वाले सब्जियों, फलों और दूध वाहन धीरे धीरे मंडियों तक पहुंचे। नए साल में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।